ये हमारा क्वेश्चन है जी एएस अकाउंटिंग का। हम पढ़ रहे हैं एएस अकाउंटिंग और इसमें हमारा पेपर है अक्टूबर नवंबर 22-23 का, मतलब अक्टूबर नवंबर 22-23 का पेपर है। उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा मार्जिन कॉस्टिंग का, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, सॉरी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का। अच्छा फुल फ्लेज क्वेश्चन है ये जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। कहते हैं कि एक्स लिमिटेड जो है इज ए मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस एंड ऑपरेटिंग टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मशीनिंग एंड फिनिशिंग एंड टू सर्विस डिपार्टमेंट, स्टोर एंड मेंटेनेंस। ऑल ओवरहेड्स कॉस्ट हैव ऑलरेडी बीन एलोकेटेड टू द डिपार्टमेंट्स। सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर टू बी अपोर्शन टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एज फॉलोज। स्टोर डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर्स। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल आउट्स। द फॉलोइंग बजटरी इन्फॉर्मेशन वर अवेलेबल फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर। डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए हुए आपको, मशीन आवर्स दिए हुए, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर दिए, नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल आउट्स दिए हुए, और नीचे उसने एलोकेटेड ओवरहेड्स भी दिए हुए आपको। इनडायरेक्ट लेबर ऑलरेडी एलोकेट हुई हुई है, अदर इनडायरेक्ट कॉस्ट भी एलोकेट पहले से हुई, टोटल ओवरहेड्स पहले से हमें दे दिए एलोकेट करके, ऑलरेडी एलोकेट करके हमें दिए हुए हैं ओवरहेड सारे के सारे, और उसको हम मजीद जो है वो एलोकेट करके सॉल्व करेंगे जी। तो देखते हैं मैं सिर्फ इसका आपके पास तो ये ऑलरेडी फॉर्मेट पड़ा हुआ है ना, मतलब यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑन द एग्जाम शीट। मैं जैसे टोटल ओवरहेड से स्टार्ट करूंगा ना, मैं ओवरहेड एनालिसिस शीट पर आता हूँ, टोटल ओवरहेड से स्टार्ट ले लूंगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, और इधर मैं लिख लूंगा जी सर्विस डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, वो है आपका मशीनिंग और फिनिशिंग जी, ये आपके लिए सवाल मैं करवा रहा हूँ चंद्र, आपने एडॉप्शन कॉस्टिंग के सवाल कम किए, इसलिए ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये जरूरी है इसके सवाल की प्रैक्टिस करना। तो मशीनिंग एंड फिनिशिंग आ गए, और इधर आपके आ जाएंगे स्टोर और मेंटेनेंस जो सर्विस डिपार्टमेंट। और टोटल का कॉलम देख लें कहाँ बनाया है उसने, टोटल पहले बनाया हुआ है, टोटल बाद में भी बन सकता है, पहले भी बन सकता है, वो अब आपने खुद ही डिसाइड करना है कि आप टोटल का कॉलम कहाँ पे जो है वो बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, हमने डेवलप कर दिया जी। अब इसमें आपके आ जाएंगे सबसे पहले यहाँ पे ओवरहेड्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा डायरेक्टली क्या बना, टोटल ओवरहेड्स। टोटल ओवरहेड्स वापस कितने दिए हुए सवाल में, 16229 00, 16229 00 अभी चला गया। अच्छा, और 508 500 जी, ये हमने टोटल ओवरहेड्स लिखनी है, और मैंने ये क्वेश्चन से उठाकर ही इसको यहाँ पर सॉल्व किया। मैंने रीअपोर्शनमेंट करनी है, और रीअपोर्शनमेंट मुझे करनी है सबसे पहले यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा जी रीपोर्शनमेंट की, और उसमें मैं रीपोर्शनमेंट मैंने सबसे पहले किसको करना है जी, स्टोर को, और स्टोर को आपने करना है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर से। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर ये दिए हैं आपको, इसका टोटल करने कितना आता है, 6400 प्लस 1800 प्लस 300 8500। अब 8500 को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे हम इससे टोटल जो हमारा एक्सपेंस है 1,48,000 से, क्योंकि इसी को करना है ना आपने, 1,48,000 डिवाइडेड बाय 8,500 जी 17.41। आगे भी बताओ 17.41 का।
117, 118, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अब आप किससे, 6400 से, तो आपके पास आ जाएगा आंसर मशीन का। बस सही सही है, 1.435, इसको आप मल्टीप्लाई कर दें किससे, 1800 से, 17.4118 × 1800, 1800 कहाँ से आया है बेटा, वो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर में जो आ रहे हैं ना, फॉल कर रहे हैं 1800, उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना जी, तो क्या आ जाएगा, और फिर आप मल्टीप्लाई कर देंगे 300 से, तो वो मेंटेनेंस में चले जाएगा। फाइव टू टू फोर, जी ठीक है, ये हमने एलोकेशन कर दी। रीपोर्शनमेंट इसकी मैंने की है स्टोर की, स्टोर को यहाँ पे नील कर देते हैं, कर देता मैं, 148,000 हमारा नील हो जाएगा। उसके बाद हमने करनी है किसकी, रीपोर्शनमेंट, कैंटीन नहीं, मेंटेनेंस, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने इसमें पहले लिख दिया, नीचे लिखना था मैंने, तो मैंने आगे लिख दिया, तो इस वजह से मैं लिख रहा हूँ। हाँ ये इतना सवाल किया, एक तो सिंपल सी बात है कि स्टोर की पहले लिखी हुई थी, स्टोर की पहले लिखी हुई थी, ये लिखे ना, मेंटेनेंस बाय अपने क्वेश्चन था, नंबर ऑफ मेंटेनेंस कॉल। और दूसरी बात है कि अगर हम स्टोर को पहले नहीं करेंगे तो आपका जो मेंटेनेंस है, स्टोर दोबारा ओपन हो जाएगा। स्टोर हाँ मैं स्टोर को हमें दोबारा फिर करना पड़ेगा, वो इसीलिए पहले स्टोर को हम क्लोज करेंगे, नहीं मेंटेनेंस स्टोर नहीं लोगे ना, मेंटेनेंस तो स्टोर को ट्रांसफर नहीं कर रहा, स्टोर तो जीरो ही रहेगा, स्टोर कॉस्ट ट्रांसफर कर रहा है तीनों में, मशीनिंग में भी, फिनिशिंग में भी, मेंटेनेंस में भी, तो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑर्डर के हिसाब से करना है तो तीनों में कर रहे हैं ना, तो जो मेंटेनेंस है वो सिर्फ दोनों में कर रहे हैं प्रोडक्शन में, अगर हम स्टोर को पहले कर लेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, और मेंटेनेंस को पहले कर लेंगे तो स्टोर दोबारा ओपन हो जाएगा, ये इश्यू है। 120 और 30 है, इसकी कॉस्ट टोटल कितनी आती है पहले तो ये बताएं, 343 + 5224, थ्री फोर एट टू टू फोर, इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 120 / 150, तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 120 / 150 कितना आ जाएगा, ये 2785 2785 8574, ठीक है, ठीक है जी। और दूसरा आपका आ जाएगा जी 3482 24 × 50 × 30/150, ओवर 150, 50 और 150 नहीं, सॉरी गलत है मैंने, 30 और 150, ये है ना, आपने पहले 120 होगा, 150 आपने 30 और 150 जी, है, 6964 6964 5, बिल्कुल सही, 6965, दैट्स इट, इसका हम टोटल कर लेंगे जी, हम ये हो सकता है कि इस तरह आपने इस तरह क्या मतलब, क्यों नहीं लिए, ये लोग हैं इस तरह मर्जी करो, ठीक क्वेश्चन की है, पोर्शनमेंट की है उसकी, टोटल करें जी क्या आता है, मशीनिंग का टोटल करें, फिनिशिंग का टोटल करें, क्या आता है,
बताएं टोटल मशीन का कितना आ गया? सेवन 367239। सेवन 898514। जी ठीक है, जी जी 898514। दूसरे का देखिए हम, सेवन 1 2 4 3 8 6। टोटल आपका वही आ जाएगा 1622900। ठीक है, समझ आ रही है? आसान है, अपॉर्चुनमेंट की है, अपॉर्चुनमेंट नहीं, हमने रीअपॉर्चुनमेंट की है उसको, हमने सर्विस पावर के कॉस्ट को प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। आगे क्वेश्चन में क्या कहता है वो, हमने कर दिया सिर्फ 4 नंबर। कैलकुलेटेड टू डिसमेंट प्लेसेस अ सूटेबल ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच डिपार्टमेंट। वो यार आप निकालना है, वो यार मुझे बताएं कि हम कौन सी बेस यूज करेंगे, वो यार के लिए मशीनिंग पार्ट में मशीन आवर्स आएंगे या लेबर आवर्स। मशीनिंग डिपार्टमेंट में मशीन आवर्स ज्यादा है, वो कैपिटल इंटेंसिव है, वो मशीन आवर यूज करेगा, जबकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट जो है वो लेबर आवर यूज करेगा। तो हम कर लेते हैं जी, इसका आंसर आएगा आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कॉस्ट 898514 डिवाइडेड बाय मशीन आवर्स, और वो कितने हमारे, दैट इज 48,000। तो वो यार आ जाएगा इसका टाइम क्या था? एटीन पॉइंट सेवन वन। ठीक, दूसरे का देख लेते हैं, वो आपका आएगा 724386। उसको हम डिवाइड कर देंगे इससे 54,600 से, क्योंकि लेबर आवर्स 54,600 है जो कि फिनिशिंग डिपार्टमेंट के लिए इस्तेमाल है। जी 13.26 पर लेबर आवर, और वो 18.71 पर मशीन आवर है। ये हमने रेट पर आवर भी फाइंड, ओ आर भी फाइंड कर लिया। अब आगे कहते हैं कि ओ आर फाइंड करने के बाद कहते हैं जी कि एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर वर एज फॉलोज। हमें अंडर ऑल ओवर एब्जॉर्प्शन फॉर ईच डिपार्टमेंट जो है वो फाइंड करनी है। अंडर एब्जॉर्प्शन हम निकाल सकते हैं आसानी के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे निकालेंगे। देखें इधर कर लेता हूं मैं, अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। ठीक है जी, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड दोनों डिपार्टमेंट के लिए हमें निकालनी है। पहले हम निकाल लेते हैं किसके लिए, मशीनिंग के लिए, और फिर हम किसके लिए कर लेते हैं जी फिनिशिंग के लिए। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे बेटा, ओवरहेड्स, एक्चुअल ओवरहेड देखते हैं हम कितने दिए हुए हैं। दोनों डिपार्टमेंट के भी लिख सकते हैं, 9,10,000 और 7,05,000 लिख लेते हैं। इधर आपके आ जाएंगे 9,10,000 और इधर आपके आ जाएगा 7,05,000। ठीक है जी, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंपेयर हम किससे करेंगे, इसके साथ एब्जॉर्ब ओवरहेड के साथ। एब्जॉर्ब ओवरहेड कितने आएंगे, एक्चुअल आवर्स इनटू ओएआर। एक्चुअल आवर्स हमारे कितने हैं, मशीनिंग में लेंगे मशीन आवर्स, ठीक है ना, और फिनिशिंग में लेंगे लेबर आवर्स। तो मशीनिंग में मशीन आवर्स कितने हैं, 49,200। 49,200 एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाइड बाय ओएआर, वो है 18.71। कितना आता है जी? एक नहीं भाई, एक 9,205,32। इसका डिफरेंस हम निकाल लेंगे, तो
आपके पास अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड आ जाएगी, क्योंकि ज्यादा आ रहा है अब एब्जॉर्ब ज्यादा है ना, तो आपका ओवर एब्जॉर्ब आ रहा है कितने से, 10532 से, ये आपका जो आ रहा है वो है ओवर एब्जॉर्ब। दूसरे को देख लेते हैं हम, तो उसमें एक्चुअल आवर्स कौन से यूज करेंगे, लेबर आवर्स, और वो कितने, 51,800, उसके एक्चुअल आवर्स हैं 51,800 मल्टीप्लाइड बाय OR 13.26, कितना आ जाएगा अभी 68686। ठीक है, डिफरेंस निकालें तो ये आपका अंडर एब्जॉर्ब आ रहा है डिफरेंस, तो एब्जॉर्ब जो है वो कम है एक्चुअल से। एटीन 18132, ये हमारा जो निकलेगा ये अंडर एब्जॉर्ब है। ठीक है जी, ये भी हमने जो है वो फाइंड कर लिए कि अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड्स हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। पहले आप अपोर्शनमेंट करेंगे, फिर रीअपोर्शनमेंट करेंगे, फिर OR फाइंड करेंगे, और OR इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन एक्चुअल कैपेसिटी, एक्चुअल आवर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अब्सॉर्ब ओवरहेड कॉस्ट आएगी। अब्सॉर्ब ओवरहेड कॉस्ट अगर एक्चुअल से ज्यादा है तो ओवर अब्सॉर्ब होगा, कम है तो अंडर अब्सॉर्ब है। लेकिन अगर मैं पूछूं कि इसके रीजन क्या है, तो आप डिफरेंट लिखेंगे। आपके अगर ओवर अब्सॉर्ब निकल रहा है मशीनिंग, क्या लिखेंगे, इट मीन्स दैट बजटेड ओवरहेड कॉस्ट इज मोर देन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड बजटेड आवर्स आर लेस देन एक्चुअल आवर्स। अंडर अब्सॉर्प्शन जो निकल रही है फिनिशिंग की, उसमें आप लिखेंगे कि बजटेड ओवरहेड कॉस्ट इज लेस देन एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट एंड बजटेड आवर्स आर मोर देन एक्चुअल आवर्स, ऑपोजिट हमारा ये होता है। ये इसके रीजन होते हैं अंडर ओवर एब्जॉर्प्शन के हवाले से, जो आपको बताने पड़ते हैं क्वेश्चन के अंदर। के टू पॉसिबल रीजन व्हाई ए बिजनेस में अंडर एब्जॉर्ब, व्हाई ए बिजनेस में अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड, मैंने बता दिया आपको। अंडर एब्जॉर्ब ओवरहेड तब होते हैं आपके जब बजटेड ओवरहेड कॉस्ट एक्चुअल ओवरहेड कॉस्ट से कम होती है, और दूसरा बजटेड आवर्स जो है वो एक्चुअल आवर्स से ज्यादा होती है। उल्टा उल्टा है ना, ज्यादा होती है। ठीक है, और अंडर एब्जॉर्ब का मतलब यही है कि जो हमने एस्टिमेट लगाया था ओवरहेड कॉस्ट का, एक्चुअल कॉस्ट उससे ज्यादा है, ये भी बोल सकते हैं आप। टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर वाज 594,900। कैलकुलेट द बजटेड आवरली डायरेक्ट लेबर रेट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है जी, कहते हैं जी टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट जो है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स डिपार्टमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर की 594,900 है, तो आवर से आप डिवाइड कर देंगे, बजटेड आवर से बेटा, एक्चुअल नहीं, ये एक्चुअल डेटा है, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स के टोटल से, बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स के टोटल से वो कितना आएगा, 11,505,46 से टोटल से डिवाइड करेंगे तो आपका वो रेट कितना 6611100 से डिवाइड कर देंगे, वही ना, यही होगा ना, बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट डिवाइड बाय बजटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स 11,500। हाँ, जो भी है 9 पर आपका आंसर जो है वो आ जाएगा, एक ही नंबर क्वेश्चन दिया सिर्फ ये। आगे कहते हैं जी, एक्स लिमिटेड हैज बीन आस्क्ड टू सप्लाई अ कोटेशन टू अ कस्टमर हु रिक्वायर 50 यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, ईच यूनिट वुड रिक्वायर द फॉलोइंग। अब गौर कीजिएगा इस बात पे, आमतौर पर क्वेश्चन जो दिया होता है हमें डेटा, उसमें हर यूनिट का नहीं होता, टोटल दिया हो, लेकिन इस सवाल में उसने ईच यूनिट का कहा है, तो आपको बाद में 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर आपको तो ड्रैग मटेरियल कितना लग रहा है जी, 4 किलो है 2.45, ड्रैग लेबर भी लिखी हुई है आपकी, ओवरहेड्स बताए हुए उसने फिनिशिंग के, मशीनिंग के और फिनिशिंग के, मशीन डिपार्टमेंट इज वर्किंग एट फुल कैपेसिटी, सो एन ओवर टाइम प्रीमियम ऑफ 25% वुड बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस वर्क। ओवर टाइम प्रीमियम भी देना पड़ रहा है 25% किसमें, मशीनिंग डिपार्टमेंट में कंप्लीट करने के लिए। एक्स लिमिटेड वुड रिक्वायर प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन दिस वर्क, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट टू शो द टोटल सेलिंग प्राइस दैट एक्स लिमिटेड वुड कोट टू द कस्टमर। इसका मतलब क्या हुआ कि आवर जो है वो मशीनिंग डिपार्टमेंट में लेबर के जो आवर्स है ना वो ज्यादा लगेंगे, 25% प्रीमियम है ना, उसका जो रेट है वो कितना है मशीनिंग डिपार्टमेंट का,
रेट क्यों नहीं दिया वैसे लेबर का? तो पिछले बार नहीं, हाँ लेबर का रेट वही लगेगा 9, मुझे पीछे में निकाला था। ठीक है जी, लेकिन 9 लगेगा, 9 ही लगेगा। मशीनिंग डिपार्टमेंट 25% ज्यादा है ना, 25% ज्यादा लगेगा। फिनिशिंग में वही लगेगा, 9 लगेगा लेबर रेट। निकालते हैं इसको, अच्छी बात है। तो हम फाइंड करते हैं यहाँ पे प्राइस जो हमने कोट करनी है फॉर द ऑर्डर। प्राइस टू बी कोटेड फॉर द ऑर्डर, सबसे पहले अभी क्या आ जाएगा जी? ब्रैक मटीरियल। ब्रैक मटीरियल कितना लग रहा है एक यूनिट पर अगर हम देखें तो? वो है 4 × 2.45, 4 × 2.45 2.45 कितना आता है जी? जी जाएगा जी 9.8। आगे आपकी आ जाएगी डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर दोनों डिपार्टमेंट में लग रही है बेटा, मशीनिंग में भी और फिनिशिंग में भी। मशीनिंग में डायरेक्ट लेबर अगर मैं देखूँ तो कितने आवर्स लग रहे हैं? 3 आवर्स हैं, दिखा देता हूँ आपको। 3 आवर्स हैं और उसमें कितने हैं? 4.5। यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाइड बाय आवर्स है ना, एट द रेट ऑफ 9 का निकालें 25%, 11.25। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.25 से, कितनी आती है इसकी मशीन की लेबर कॉस्ट? 33.75। और इसमें फिनिशिंग में कितने आवर लग रहे हैं आपकी? 4.5 × 9, क्योंकि बेसिक रेट तो आपका लेबर का 9 है, इसमें क्योंकि 25% प्रीमियम हम दे रहे हैं इसलिए उसका रेट ज्यादा आ रहा है। 4.5 × 9 कितना आ जाएगा जी? 40.5। टोटल करने दोनों का, टोटल आपका कर दिया आपका 74.35। आगे देखते हैं, ये जो आपकी निकलेगा आंसर इसे हम क्या कहते हैं बेटा? डायरेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट है, या इसे हम कह देते हैं प्राइम कॉस्ट। इसमें हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, वो भी दोनों डिपार्टमेंट्स के अलग अलग है बेटा, मशीनिंग का अलग है और फिनिशिंग का अलग है। वो हम निकालते हैं, मशीनिंग के अंदर ओवरहेड कॉस्ट चार्ज होनी है मशीन आवर्स के हिसाब से, राइट? तो मशीन आवर कितने लग रहे हैं मशीनिंग के अंदर ओवरहेड्स के? 1.25 मशीन आवर, ठीक है? और उनका रेट कितना है? 1.25 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या पीछे निकाला था आपने? जो ओवरहेड रेट आपने निकाला हुआ पीछे OAR निकाला हुआ है वो था 18.71, से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक 3.3875। इसी तरह फिनिशिंग के अंदर आप यूज करेंगे लेबर आवर, फिनिशिंग डिपार्टमेंट में लेबर आवर कितने लग रहे हैं? 2.5 डायरेक्ट लेबर आवर लग रहे हैं ओवरहेड के लिए, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 2.5 मल्टीप्लाइड बाय उसका रेट क्या था? 13.26 ओवरहेड रेट उसका आ जाएगा जी 33.15। टोटल कर लें दोनों का, ये 56.53। अब इसका टोटल करें पहले, ये क्या आता है? टोटल नहीं, पहले ऊपर का टोटल 9.8 प्लस 0.05 उसको और 56 को आप कर लेंगे आप। समझ आ रही है? समझ आ रही है? ये कितना आ गया? 0.58, ये आपकी टोटल कॉस्ट आ गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट आएगी। इसमें हम ऐड कर लेंगे प्रॉफिट,
प्रॉफिट उसने कहा है कि आपने जो ऐड करना है ना, वो आपने ऐड करना है 25% प्रॉफिट मार्जिन। मार्जिन को मार्कअप में चेंज करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 140.58 मल्टीप्लाई बाय 25/75 परसेंटेज, और 100 माइनस परसेंटेज करना पड़ता है आपको मार्जिन को मार्कअप में कन्वर्ट करने के। क्या आएगा ये? हाँ करेंगे। ये आप ऐड कर देंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। अच्छा 187.42। अब उसने मेरे ख्याल टोटल सेलिंग प्राइस पूछी है, ये जो मैंने निकाली है ये एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है। तो उसने यूनिट्स कितने कहे हैं, 50 यूनिट्स, और पूछा उसने क्या है वो भी देख लें, टोटल सेलिंग प्राइस। तो क्या करेंगे, यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, और यूनिट्स हमारे कितने हैं जी, 50, तो आपके पास टोटल सेलिंग प्राइस जो है वो आ जाएगी कितनी, नाइन थ्री सेवन टू। ये हमने इसको जो है वो सॉल्व करके हमने आंसर भी अपना निकाल। ठीक है, तो देखिए इसमें तो मस्त है मुझे बताएं, लेकिन एक बात आप जहन में याद रखिएगा कि हमने जो ये सॉल्व किया है ना, इसमें जो लेबर का रेट निकला है वो इंपॉर्टेंट था पॉइंट, क्योंकि लेबर का रेट नहीं दिया हुआ था, वो पीछे से नहीं दिया इसने निकाला, उसने कहा टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर कॉस्ट फॉर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स दोनों की मिला के 594,900, और उसको आप डिवाइड कर देंगे ना, अर्ली लेबर रेट पूछा है ना, तो डायरेक्ट लेबर आवर के साथ आप डिवाइड कर देंगे, डायरेक्ट लेबर आवर्स जो है वो पीछे जो आपको दिए हुए एक्चुअल से नहीं करते, बजटेड से करते हैं, वो मैं निकाल लूंगा, तो 11,500 + 5,46,000 करके टोटल आ जाएंगे, फिर उसका 9 आ जाएगा आप, उससे हमने इसको सॉल्व जो है वो कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमने, ये कंपनी का मैंने आपको याद करेंगे, मैंने ऑलरेडी करवाया था आपके इस बार सी चैप्टर का पेपर का।